आजकल हर उम्र के लोग दांत दर्द से परेशान हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। ये कहना है चिकित्सक दीप कुमार का। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लोग सैकड़ों रुपए अपने कपड़ों, बालों और चेहरे को सुंदर बनाने के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन उनका ध्यान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग दांतों की तरफ नहीं जाता है। आजकल हर उम्र के लोग दांत दर्द से परेशान हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। ये कहना है चिकित्सक दीप कुमार का। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लोग सैकड़ों रुपए अपने कपड़ों, बालों और चेहरे को सुंदर बनाने के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन उनका ध्यान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग दांतों की तरफ नहीं जाता। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोग दांत के दर्द से परेशान रहते हैं, और वे चिकित्सक के पास तब पहुंचते हैं जब दांत को बेहद ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है और दर्द असहनीय हो जाता है। अधिक जानकारी देते हुए चिकित्सक विकास खंडेलवाल ने बताया कि ज्यादातर लोग अपने दांतों को लेकर लापरवाह होते हैं। वे सुबह तो ब्रश करते हैं, लेकिन रात को ब्रश करना पसंद नहीं करते, बल्कि हकीकत ये है कि खाना खाने के बाद ब्रश करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि दांत खराब होते चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान, क्योंकि ज्यादातर लोग दिन भर खाते रहते हैं, जिसकी वजह से दांतों पर खाना लगा रहता है और कैविटी को जन्म देता है। उन्होंने ये भी बताया कि लोग दांतों का महत्व नहीं समझते हैं, और जब ज्यादा खराब हो जाते हैं तब उनमें सड़न पड़ जाती है, तेज दर्द होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, तब जाकर उन्हें अपने दांतों का ख्याल आता है। दांतों को भी तभी बचाया जा सकता है अगर हम खान पान की आदत को बदलें और चिकित्सक की परामर्श समय समय पर लेते रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक तो हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारा खान पान। आजकल जो मंचिंग का जो कल्चर है कि दिन में हर थोड़ी देर बाद कुछ खाना, एक तो वो एक बड़ा प्रमुख कारण है। दांतों में खाना चिपका रहता है ना, मैदे की बनी चीज़ें होती हैं, तो एक तो वो भी बड़ा प्रमुख कारण है दांतों के सड़ने का। दूसरा, रेगुलर डेंटल चेकअप्स है ना जी, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं कि होने चाहिए समय समय पे। तीसरा, दांतों की बीमारी, दांतों की वैल्यू समझना। अक्सर लोग शरीर को वैसे ही शरीर पे ध्यान कम देते हैं अपनी सेहत पे, और उस सेहत में दांतों का नंबर भी आखिर में आता है। तो दांतों को ये इम्पॉर्टेंस समझनी चाहिए कि दांत भी हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, है ना जी। प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर डेंटल चेकअप्स, जो हर 6 महीने में करवाने चाहिए। दूसरा है खाना खाने के बाद, जो हम सब जानते हैं, ब्रश करने का जो एक कल्चर है। तो सुबह तो ब्रश करने का कल्चर खैर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है ही है, बट रात के समय ज़रूर ब्रश करके सोया करें। तो ब्रशिंग का फ़ायदा ज़्यादा खाना खाने के बाद होता है। तो दांतों में खाना ना चिपका रहे, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप हर खाने के बाद प्रॉपर या तो कुल्ला करें, और रात को तो ब्रश करके सोएं। दांतों की बीमारी में ऐसा है कि इसका जो ऑनसेट है, जो एकदम से इसका प्रभाव होता है, वो 1-2 दिन में नहीं होता। दांत सड़ने में महीने लगते हैं। तो अगर आप 3 महीने में या 6 महीने में भी किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाके एक प्रॉपर चेकअप, एक तो होता है चेकअप जो कैंप्स में होता है, वहाँ ना तो प्रॉपर लाइटिंग होती है ना जी। एक डेंटल क्लिनिक में जाके या डेंटल हॉस्पिटल में जाके एक प्रॉपर लाइट के अंडर डेंटिस्ट से आप चेक करवाएं, तो आप हमेशा छोटी बीमारी से ही, छोटी ही इलाज से लंबी बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं। दांतों में प्रमुख तौर पर सड़न होना एक बीमारी है, और दूसरा बीमारी होता है मसूड़ों के रिलेशन में। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधि के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।